कर रहे हैं। तो कल किस बात का, इनका पति मर गया, मेरा पति मर गया, दो महिला थी। अच्छा। तो दौड़ल दौड़ल हम गए और उस बहन को बताए कि मेरा बुढ़वा मर गया, अब हम क्या करें, 3-4-5 घंटा हो चुका है। अच्छा। से बहन अब क्या करें, हम क्या करें। तो बोले कि मैडम को कॉल लगाया जाए, तो हमको कॉल लगाए, हम नींद में थे, हम फोन नहीं उठाए। अच्छा। उसके बाद जो बहन आती है रेगुलर यहाँ, वो जल और तेल लेकर दौड़ी, अपना बेटा को बोला दौड़ो। अच्छा। जल्दी चलो, चचा मर गया है। दौड़ के वहाँ पर गई, जाने के बाद में बोली कि जल तो मरे हुए लोग तो जल तो पिएगा नहीं, हम लोग क्या किए, तेले से मालिश करना स्टार्ट कर दिया। हम तो सोच में पड़ गए, हम तो लग रहे थे कि हम बेहोश हो रहे सुनकर। और आधा घंटा हम दोनों आदमी रो रो को तेल लगाए, हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा कर दीजिए, पिता परमेश्वर यीशु मसीह जीवित कर दीजिए। आधा घंटा के बाद ही नारी चलने लगा, धीरे धीरे होश में आ गया। तब हम जल पिला के पूरे होश में आ गए। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे से तो देखा आपने, बहुत अद्भुत परमेश्वर काम इस समय चल रहा है। जिस तरह से सताव चल रहा है, उसी प्रकार से बल्कि उससे बढ़कर परमेश्वर का राज पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, तो अद्भुत काम करने वाला और दिखाने वाला परमेश्वर पिता। जहां भी तेरी आराधना स्तुति, जहां भी तेरा नाम लिया था, वहां चमत्कार होता है पिता। वहां मनुष्य पिता परमेश्वर तेरे नाम का जय जयकार करता, उस जगह पे तू होता है प्रभु जी। पिता अपने बच्चों को अपने सिद्ध के मैं कोई धन्यवाद करता हूँ। जहां जहां पिता तेरी मिनिस्ट्रिया है पिता परमेश्वर, तेरी कलीसिया है, उन सब पे तेरी नजर है, तेरे लोगों पे तेरी नजर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आने टाइम में पिता आप सबसे अपनी कलीसिया को स्थापित करोगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे जी तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ। ये बिहार की एक वीडियो मेरे सामने आई, मैं बहुत आनंदित हुआ कि वाक्य में देखो हर जगह पर परमेश्वर का नाम है। सताव कितना भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कार्य करता है, क्योंकि जो परमेश्वर मुझसे कहता है मैं वही आपको दिखाता हूँ। अगर कहीं सताव है, कहीं ऐसी न्यूज है, तो मैं आपको बताऊंगा ताकि हम और आप प्रार्थना कर सकें, क्योंकि हम और आप प्रार्थना योद्धा है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का वरदान दे रखा है, इसे हमें डरना नहीं है। अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इससे पहले कि एक CCL लागू होने वाला है जिसमें हिंदू राष्ट्र हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के अंदर डर खौफ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहां आता है वो आजादी का आत्मा है। हालेलुया, एक वचन दिया है मुझे इस टॉपिक पे, क्योंकि जब कहीं परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो बहुत लोग ऑप्शन उठाते हैं, भाई वो गलत है, उसे वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्या कहते हैं, आइए वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसे बुरा कहने से अच्छा है कि आप साइड हट जाओ, क्योंकि अगर हम बुरा कहते हैं तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं है, और पूरी जानकारी होने के बाद भी हमें कुछ नहीं करना, ठीक है गलत है, हमें साइड हटना या उनको समझाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कई प्रार्थना मीटिंग देखते हैं, कई भी चीज ऐसी देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उन पर ऑप्शन रहते हैं, लेकिन वहां भी चेले भी यीशु मसीह यही कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा देखो, निकालेंगे मरकुस 9 अध्याय उसका 38 से, मरकुस 9 अध्याय उसका 38 में लिखा है, तब यहूना ने उससे कहा, यानी कि यीशु मसीह से कहा, हे गुरु हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता। यानी कि चेले कहते भाई तो हमारे साथ चल, तू प्रभु यीशु मसीह का दुष्ट आत्मा निकाल ला, लेकिन तो हमारे साथ चल, तो हमारे से बन, लेकिन वो अलग उसकी प्रकाशन था, अलग ये बहुत बड़ा ज्ञान प्रभु ने प्रकट किया है, अलग प्रकाशन था, वही प्रकाशन प्रभु ने आज हमें और आपको दे रखा है। जरूरी हम किसी मिनिस्ट्री से जुड़े, हम इंडिपेंडेंट सेवा कर सकते, हमें यीशु मसीह के साथ जुड़ना है। चेले कहते नहीं हमारे साथ चल, लेकिन वो अलग सेवा करना चाह रहा था, और यीशु मसीह ने क्या कहा हम सबके लिए, यीशु ने कहा उसको मना मत करो। प्रेज द लॉर्ड, यीशु में गुस्सा हो सकते थे, कैसे नहीं उसे बुला के ला, वो कैसे कर सकता है, मैंने अधिकार नहीं दिया, बल्कि यीशु मसीह उसको अधिकार दे चुके थे। यीशु ने कहा उसे मना मत करो, मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से दुष्ट सामर्थ्य काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो मैं हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है, समझा। तो मेरे जी तो जो हमारी ओर नहीं, यानी कि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना मीटिंग कहीं भी देखते हो तो वो हमारे विरोध में नहीं है, वो परमेश्वर काम कर रहे हैं, उसे करने के बाद उनके लिए प्रार्थना करो प्रभु और उनको सामर्थ दे। तो उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि जहां परमेश्वर का आत्मा छुटकारा है तो परमेश्वर हर जगह से, हर एक एंगल से सिर्फ सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए,
परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए, यह हमारी और आपकी मंशा होनी चाहिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्राप्त संदेश बोलना समझाना आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस बहन इस मिनिस्ट्री के लिए। प्रार्थना करते हैं तेरा जलाल हो पिता और पूरे क्षेत्र को बदल देना पिता, और हर जगह पे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के वाक्य में मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा हो रहे, ये अद्भुत काम है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।